हेलो एंड वेलकम टू बिग ब्राउन किचन। और आज हम बनाएंगे उड़द दाल की खस्ता कचौरी। आलू की सब्जी और कचौरी हम सभी को बहुत पसंद आती हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट है आपकी इस बार की होली को सेलिब्रेट करने के लिए। उड़द दाल की खस्ता कचौरी को बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक हमें ये बताता है कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कंटेनर के अंदर हमने 2 कप मैदा ली है। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/4 कप मेल्ट किया हुआ देसी घी, 3 इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथों के बीच में रब करके इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये ब्रेड क्रम्स जैसे ना दिखने लगे। अब देख सकते हैं मिक्सचर बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसा दिख रहा है। और अगर आप थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में उठाएंगे और उसे प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कि मिक्सचर जुड़ने लगा है। मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालकर आटा गूंदेंगे। खस्ता कचौरी के लिए आटा गूंदते समय हमने इसके अंदर देसी घी का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो किसी और ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप देसी घी यूज़ करें क्योंकि देसी घी डालने से कचौरी खस्ता बनती है। अब हम आटे को 5 से 7 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरीके से गूंदेंगे। अगर आप चाहें तो आटे को स्लैब पर रख के भी बहुत अच्छे तरीके से मसल सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कचौरी के लिए हमें बहुत सॉफ्ट आटे की ज़रूरत है, जिसके लिए ये स्टेप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आटे को गूंदते हुए हमें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम आटे को एक कपड़े से ढककर 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। और इस बीच हम बनाएंगे उड़द दाल की फिलिंग, जिसे हम कचौरी की पिट्ठी भी कहते हैं। कचौड़ी के लिए पिट्ठी बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1/2 कप उड़द दाल को अच्छे से धोकर पानी में भिगो के रखा 3 घंटे के लिए। और अब हम इसको मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। हमें दाल का एक स्मूथ पेस्ट नहीं चाहिए, हमें दाल का एक दानेदार पेस्ट चाहिए, जिसके लिए हम मिक्सर ग्राइंडर को 1 से 2 सेकंड के लिए सिर्फ एक बार चलाएंगे। दाल का पेस्ट हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है और अब हम मसाला तैयार करते हैं। एक पैन के अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच क्रश किए हुए धनिया के बीज, 1 बड़ी चम्मच क्रश की हुई सौंफ, 1/2 बड़ी चम्मच क्रश किया हुआ जीरा। मसालों को भूनते हुए हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखेंगे और मंदी आंच पर हम इन सभी मसालों को भून लेंगे। और अब हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच अदरक और हरी मिर्च भी डालेंगे और इन्हें भी हम मंदी गैस पर अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को भी हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच काला नमक और 1 छोटी चम्मच सादा नमक या स्वाद अनुसार नमक, और 1/2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालकर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम इसके अंदर पिसी हुई दाल डालेंगे और अब हम दाल को मिक्सचर के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक मिक्सचर पैन की साइड्स को छोड़ना ना शुरू कर दे और हमें थोड़ा ड्राई दिखने लगे। दाल को भुनते समय भी हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखा हुआ है। 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दाल हमारी ड्राई होने लगी है और पैन को छोड़ने भी लगी है। और अब हम मिक्सचर को साइड में रख देंगे और ठंडा होने देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं और आटा अच्छे से सेट हो गया है। आटे की हम छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। और अब हम एक लोई लेंगे, उसको हम सेंटर से प्रेस करेंगे और साइड्स को हम थिकन रखेंगे। सेंटर से प्रेस करते हुए हम ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, बिल्कुल इस तरह।
और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून फिलिंग डालेंगे। अब हम अंगूठों की मदद से फिलिंग को अंदर प्रेस करते हुए आटे की लोई को बंद करेंगे, बिल्कुल इस तरह। लोई को अच्छे से बंद करने के बाद जो ऊपर एक्स्ट्रा आटा है आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं या चाहे तो इसे लोई पे ही पेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह। अब हम लोई को दोनों हाथों के बीच हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, थोड़ा सा हम इसे हाथों से प्रेस करेंगे और जैसे ही थोड़ी फ्लैट हो जाए उसके बाद हम इसे चकले पे बेलेंगे। और अब हम इसे बेलन की मदद से हल्के हाथों से बेलेंगे, हमें इसे ज़्यादा नहीं बेलना है, बस जब तक हमें इसका ये डिज़ायर्ड साइज़ ना मिल जाए तब तक ही हमें इसे बेलना है। एक कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है कचौरियाँ तलने के लिए, हमें कम गर्म तेल की ज़रूरत है। हमने सभी कचौरियों को बेल लिया है और अब हम इसे तेल में डालकर फ्राई करेंगे। कचौड़ियों को तेल में डालने के बाद हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि अगर हम उन्हें छेड़ेंगे तो वह फट सकती हैं। और जैसे ही कचौड़ी थोड़ी सिकने लगे हम इन्हें पलट देंगे। झर की मदद से हम कचौड़ी के ऊपर थोड़ा ऐसे टैप करेंगे जिससे कि कचौड़ी फूली हुई बनेगी। और अब हम कचौड़ियों को करीबन 10 मिनट तक मंदी आंच पर ऐसे ही सेकेंगे और बीच बीच में हम इन्हें पलटते रहेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाएं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कचौरियाँ बहुत अच्छी सिकी हैं और अब हम इन्हें कढ़ाई में से एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी कचौरियों को तल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कचौरियाँ कितनी फूली हुई बनी हैं और ये दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही हैं। उड़द दाल की खस्ता कचौरी को बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको इसके लिए थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है। तो आप ये रेसिपी इस होली अपने घर ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसी लगी हमें लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Thank you for watching this video, and I'll meet you all again in my next video.